दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने वाला देश है। दूसरे देशों के कंपैरिजन में हमारी जनसंख्या भी बहुत अधिक है, इसीलिए अधिक मात्रा में लोग संसाधनों का यूज करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज्यादा मात्रा में एमिट होती है। लेकिन अब भारत बहुत तेजी से इसको कम करने के लिए काम कर रहा है और इसके लिए भारत कोल पर डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत फ्रांस के साथ मिलकर स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर के डेवलपमेंट के लिए डील साइन करने जा रहा है। इसके लिए भारत ने फ्रांस की कंपनी के साथ प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। इसके बारे में आपको आगे वीडियो में डिटेल में बताएंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर मालदीव से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल मालदीव की दो पार्टी अब मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद माइजू के अगेंस्ट खड़ी हो गई है। दोनों पार्टी ने अपने जॉइंट स्टेटमेंट में मोहम्मद माइजू के एंटी इंडिया स्टांस पर चिंता जाहिर की है। इसके बारे में भी आपको वीडियो में आगे डिटेल से बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, भारत ने 2070 तक नेट जीरो को अचीव करने का टारगेट रखा है, लेकिन इसके लिए भारत को कोयले पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना होगा। यही कारण है कि भारत ग्रीन एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने पर फोकस कर रहा है। इसके लिए अदानी ग्रुप ने गुजरात में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एंड विंड एनर्जी प्लांट बनाया जा रहा है, जहां कोयले से नहीं बल्कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। ये प्रोजेक्ट ग्रीन एनर्जी के टारगेट को पूरा करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोल पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए अपने ऑप्शन को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, ताकि डिफरेंट तरीकों का यूज करके क्लीन एनर्जी जनरेट की जा सके। इसके लिए भारत ने फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। इस एग्रीमेंट के तहत स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर के डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा। वहीं इसके लिए भारत के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और इलेक्ट्रिसाइट दी फ्रांस सा ने एक प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट भी साइन किया है। इसके लिए फ्रांस प्रेसिडेंट मैक्रोन आज दिल्ली विजिट भी कर रहे हैं और इस इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आ जाएगी, जब इंडिया के एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट से इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए ईमेल भेजकर रिक्वेस्ट की गई, तो डिपार्टमेंट ने इस ईमेल का कोई रिस्पांस नहीं दिया। वहीं देश की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। फ्रांस ऑफिशियल के मुताबिक फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही भारत विजिट करेंगे। समय के साथ साथ भारत में एनर्जी कंजप्शन भी बढ़ रहा है, ऐसे में भारत चाहता है कि बढ़ती हुई एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के साथ साथ डीकार्बनाइजेशन पर भी ध्यान दिया जाए। इसके लिए न्यूक्लियर प्लांट से 3% से भी कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, ऐसे में इनका अल्टरनेटिव देखना बहुत जरूरी है। फ्रांस के अलावा रूस और अमेरिका भी मिलकर भारत के साथ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर काम कर रहे हैं। इस मुद्दे पर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले साल बातचीत भी हुई थी। इस मीटिंग को बहुत ज्यादा प्राइवेट रखा गया था। बहुत सारी ग्लोबल कंपनियां भी एडवांस रिएक्टर डिजाइन पर काम कर रही है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल पावर प्लांट से ज्यादा फ्लेक्सिबल है और इससे कॉस्ट भी कम लगती है। अब इस प्रोजेक्ट को डिटेल के बारे में तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, जब भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच ये डील साइन होगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि डिफेंस के साथ साथ अब अलग अलग सेक्टर में भी भारत का साथ देने के लिए फ्रांस उतर चुका है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि मालदीव से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल मालदीव में हालात ये हो गए हैं कि मालदीव के लोगों के साथ साथ यहाँ की दो बड़ी ऑपोजिशन पार्टी भी मोहम्मद माइजू के एंटी इंडिया स्टांस का विरोध कर रही है। लेकिन फिर भी माइजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा, या फिर कह सकते हैं कि वह सब कुछ समझकर भी अनजान बने हुए हैं। दरअसल मालदीव की दो विपक्षी पार्टियां मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेट्स ने मालदीव गवर्नमेंट के भारत विरोधी स्टेप लेने को लेकर चिंता जाहिर की है और सरकार को जोरदार फटकार भी लगाई है। साथ ही इन दोनों पार्टियों ने भारत को मालदीव का सबसे पुराना सपोर्टर बताया है और मालदीव की फॉरेन पॉलिसी में आए चेंजेस को लॉन्ग टर्म पर मालदीव के लिए बहुत हार्मफुल बताया है। इन्होंने ये भी कहा है कि देश की सरकार को मालदीव के लोगों की भलाई के लिए सभी सपोर्टर देशों के साथ काम करने के सक्षम होना चाहिए। मालदीव की अपोजिशन पार्टियों ने ये भी बताया है कि भारत के साथ पुराने रिलेशन खराब होने की वजह से मालदीव की स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट पर अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा। आपको बता दें, मालदीव की अपोजिशन पार्टियों का ये जॉइंट स्टेटमेंट मालदीव द्वारा चाइनीज शिप को परमिशन देने के ठीक एक दिन बाद आया। इससे पहले मालदीव गवर्नमेंट ने
ने चीनी शिप को अपने पोर्ट में डॉक करने की परमिशन दी थी। मायू की सर्कस से भारत और मालदीव के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, मालदीव की फॉरेन पॉलिसी का अपोजिशन पार्टी तक विरोध कर रही है और वहां के लोग भी सरकार के फैसले से नाखुश हैं। ऐसे में मायू को कैसे भी करके भारत से रिश्ते सुधारने पर फोकस करना चाहिए, लेकिन ये करने की बजाय मालदीव चीन के साथ मिलकर भारत की जासूसी करने की प्लानिंग कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।